जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के ऑल इंडिया से भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आपको यहां पर आगे भी इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। अब चलिए यहां पर पॉइंट पर आते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है और ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें आपके कलर के 5 पद निकाले, काफ़ी कम है पर इसमें इतने ही पोस्ट आपके निकाले गए हैं। एंड यहां पर जो आपकी इसमें इंपोर्टेंट डेट्स है अगर उसकी बात करें तो आप लोग 3 मार्च 2024 से लेकर के 25 मार्च 2024 तक फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है वो ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग एट 35 वर्ड पर मिनट प्लस कंप्यूटर कोर्स ऑफ 80 आवर्स, ये आपसे मांगा है। आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी चेक कर ले, जहां पर आपको आपकी सैलरी की डिटेल देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है उसको आप यहां पर और भी डिटेल में चेक कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। एंड जो आपका डिटेल ऑफ रिटन टेस्ट है उसकी भी आप यहां पर जानकारी देख सकते हैं कि कैसा आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। आपकी एज लिमिट 18 से 37 साल के बीच रखी गई है। एंड जो आपकी एप्लीकेशन फीस है गाइज वो आपके यहां पर 500 है एससी के लिए और 1000 है बाकी अन्य कैटेगरी के लिए, और जो यहां पर विकलांग है उनके लिए कोई फीस नहीं है। तो ये सब चीज आपने जान ली है। अब आपको यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक क्लिक करना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आने के बाद में आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आप यहां पर देखें कि आपको नोट रजिस्टर्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। अब आपको यहां पर कैटेगरी पहले अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, फिर आपको यहां पर आपका नाम एंटर करना है। इसके बाद आप यहां पर फादर नेम एंटर करेंगे एंड देन आपको मदर नेम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहां पर आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर यहां से आपको नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि इनमें से क्या मैरिड अनमैरिड जो भी है आपका इनमें से वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर अगर आप विकलांग है तो आप यहां पर यस करिए, यस नहीं बल्कि आपको बताना है कि आपको कौन सी विकलांगता है, और अगर नहीं है आप विकलांग तो आप नो कर देंगे। इसके बाद यहां पर एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन है, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन सेल्फ या फिर लाइनल डिसेंडेंट है तो आप यही सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन दी बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो आप यहां पर उस निशान के बारे में लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। आर यू डोमोसाइल ऑफ हरियाणा, क्या आप हरियाणा के निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर वर्किंग इन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप चंडीगढ़ प्रशासन के अंदर ऑलरेडी काम करते हैं, अगर हाँ तो बताइए रेगुलर परमानेंट बेसिस या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं नहीं कर रहा तो मैं यहां पर नो करूंगा। ईमेल आईडी आपको यहां पर देनी है, अपनी ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको यहां पर नीचे कंप्लीट योर फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आप यहां पर ये जो लॉगिन डिटेल दी गई है पहले तो ये नोट कर लेनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे एंड देन कंप्लीट योर फॉर्म के ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब आपको यहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है, तो सबसे पहले आप 10th की जानकारी में पासिंग ईयर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है, फिर आपने किस बोर्ड के द्वारा पास किया उस बोर्ड का नाम आपको यहां पर लिखना है एंड देन फिर कितने नंबर आपको आए थे वो यहां पर डालने हैं और कितने में से आए थे वो आप यहां पर डालेंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको मार्क्स में कन्वर्ट करके यहां पर फिल करेंगे। फिर आपको सेम तरीके से आपकी 12वीं की जानकारी भरनी है, आपका 12वीं का पासिंग ईयर, फिर बोर्ड नेम, इसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो और कितने में से आए थे वो आप यहां पर भरेंगे एंड देन फिर यहां पर आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है, तो ग्रेजुएशन आपने किस ईयर के अंदर पास की है वो आप यहां पर ईयर डालेंगे, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा या इंस्टीट्यूट के द्वारा आपने पास किया उसका नाम आपको यहां पर देना है, कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहां पर डाल दीजिए। मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके आपको दिखा रहा हूं, आप आपके रियल नंबर डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहां पर मैक्सिमम मार्क्स में डाल देंगे। फिर अगर आपके पास पीजी डिग्री है, कोई अदर में डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, आप उसकी
जानकारी देंगे। फिर है डू यू प्रोसेस एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर यस करिए और इसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में एड्रेस की जानकारी आती है, तो पहले कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और टू के अंदर लिखेंगे, जो आपकी सिटी है वो यहाँ पर इस तरह से आपको डाल देनी है। फिर आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है एंड उसके बाद में जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर यस कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं। इसके बाद आपको फोटो और साइन अपलोड करना है, फोटो का साइज 100 KB से कम रखा है और फॉर्मेट JPG का होना चाहिए, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और डमी सॉरी जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहां पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन करता हूं, तो आपका फोटो इस तरह से यहां पर आएगा। फिर आपको यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो जहां पर भी आपका साइन है वो आप सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहां पर डिक्लेरेशन आ चुका है और साथ ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है वो भी है, तो आपको यहां पर सभी जानकारी चेक करनी है और उसके बाद में आपको आई एग्री में यस करना है और उसके बाद आई एग्री एंड कंफर्म इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब गाइज आपका फॉर्म यहां पर सबमिट हो चुका है और यहां पर है डिपॉजिट फी बैंक स्लिप फीस पेंडिंग, तो आप यहां पर बोला कि आपको फीस जमा करने के 48 आवर बाद में आपका स्टेटस चेक कर लेना है, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर फीस जमा करने का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो गाइज यहां पर अभी एरर आ रहा है कि मैं फीस के लिए नहीं आगे बढ़ पा रहा हूं, तो कुछ टाइम के बाद में आपको ये जो आपका फीस का लिंक है वो एक्टिवेट मिल जाएगा, आपको कुछ टाइम बाद आके चेक कर लेना है। और अगर आपसे फीस जमा नहीं हो रही है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए पार्ट टू की वीडियो बना सकूं। आप नोटिफिकेशन के 15 पॉइंट में देख सकते हैं यहां पर फेज नंबर 5 पर कि आपको फीस कैसे जमा करनी है। तो गाइज आप यहां से जानकारी समझ करके थोड़ी अपनी फीस खुद से भी ट्राई कर सकते हैं जमा करने की, नहीं होती तो आपको कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे, आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।